क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सनसाइन ब्रिकवाटर ग्लोब है जिसकी डायमीटर है 30 सेंटीमीटर और वो एक ग्लास की बनी हुई है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। उसमें एक रे एंटर कर रही है जो कि ग्लोब के एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। और हमें वो पॉइंट बताना है, वो पोजीशन बताना है जहां पे वो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लोब वो इसकी एक्सिस को कट करेगी, ठीक ना। वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस, जहां पे वो इसकी एक्सिस को क्रॉस करेगी, ठीक। मतलब ये मान के चलो ये ग्लोब हो गई, ठीक ना, और ये ग्लोब की एक्सिस है। अब इस एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रही है जो कि एंटर कर रही है इस ग्लोब में। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस ग्लोब वो किस पॉइंट पे कट करेगी, हमें वो पॉइंट बताना। ये हो गया इसकी सेंटर सी, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं P1 और ये वाले पॉइंट को P2, क्योंकि हमें सेंटर से ही डिस्टेंस बतानी है जहां पे वो क्रॉस करेगी, ठीक। अब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है म्यू इक्वल टू कितनी 1.5, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर दे रखा है 30, तो रेडियस कितनी 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ये जो रे है वो पहले इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर इस वाले सरफेस से, और फिर कहाँ इंटरसेक्ट करती है वो हमें बताना है, ठीक ना। तो सबसे पहले रे तो क्या है, इसके एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यू कितनी है इंफिनिटी, तो बी निकाल लेते हैं पहले सरफेस का। और पहले सरफेस का जो बी होगा वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक ना। अब देखो हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन 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 डाया ऑफ ग्लोब कितना है 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना 1.5, और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जानते ही हो ना, आसपास कुछ दे नहीं रखा है मतलब एयर है, तो आसपास के सराउंडिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1, और हमें वो पॉइंट बताना है जहां इसकी एक्सिस को ये रे क्रॉस करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फ्रॉम रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, μ2 by v - μ1 by u = μ2 - μ1 by r, ठीक ना। μ2 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे गई है, और μ1 जिससे रे आई है, तो इसका मतलब ये एयर से ग्लोब में जा रही है, मतलब μ1 होगा 1 और μ2 1.5, तो μ2 रख देते हैं 1.5 upon v - 1 by u, कितना u कितना इंफिनिटी है, तो ये हो गया 1.5 - 1 by r कितना, तो इस वाले सरफेस के लिए r हो जाएगा पॉजिटिव 15, तो 1.5 by v ये तो हो गया हमारा 0 1 by infinity 0 = 0.5 by 15, तो 0.5 से ये 3 times में कट जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ गया 15 3 = 45 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहले वाले सरफेस से 45 सेंटीमीटर पे जाके, जहां से 45 सेंटीमीटर पे जाके उस रे को क्रॉस करना चाहिए, ठीक ना। ये कुछ ऐसे जाएगी, यहां क्रॉस करेगी, ठीक ना। ये हो गई आई डैश, तो इस पॉइंट आई डैश की डिस्टेंस यहां से कितनी होगी 30 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर मतलब ये 30, तो 45 में से 30 माइनस कर लो तो ये कितना बचा 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब जो सरफेस, इस वाली सरफेस ने जो इमेज बनाई है आई डैश, वो अब इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मतलब इस सरफेस के लिए यू इक्वल टू +15 सेंटीमीटर, ठीक ना। अगर आप चाहो तो इसका नाम दे दो सरफेस 1, सरफेस 1, और ये वाली सरफेस 2, ठीक ना। तो सरफेस 2, ये सरफेस 1 की कहानी होगी पहली वाली, अब सरफेस 2 की बात करते हैं, ठीक ना। तो सरफेस 2 के लिए यू इक्वल टू कितना है +15, ठीक ना, 15 सेंटीमीटर, और आर कितना है
तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से जब आप इधर से देखोगे तो आपको ये सरफेस ना कॉनकेव जैसे नजर आएगी। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से देखो सरफेस को, तो कॉनकेव मतलब आर नेगेटिव, मतलब -15 सेंटीमीटर। अब म्यूवन क्या होगी जिससे रे जा रही है, मतलब अब तो रे ग्लास में जा चुकी है, अब ग्लास से एयर जाना, ग्लास टू एयर, तो जिसमें जा रही है वो म्यू टू और जिससे जा रही है वो म्यू वन, तो जा किससे रही है ग्लास से, तो म्यू वन अब 1.5 होगी, अब जाएगी किसमें एयर में, तो म्यू टू 1 होगी। और अब भी निकाल लो, अब जो भी निकालोगे वो फाइनल है ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, म्यू टू बाय बी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। म्यू टू कितना 1, बी तो हमें निकालना है -1.5 बाय यू कितना 15 इक्वल टू 1 -1.5 बाय आर कितना -15। तो इससे ये 10 टाइम्स में घट जाएगी, तो इसे उठा के उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, तो 1 बाय v इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -0.5 बाय -15 प्लस 1 बाय 10, माइनस माइनस प्लस, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, तो 5 से 150 को कैंसिल करोगे 30, मतलब 1 बाय v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 10, तो 1 बाय v इक्वल टू 1 बाय 30, इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, तो 30 हो गया एलसीएम, तो 1 प्लस 3 बाय 30, तो v इक्वल टू 30 बाय 4, मतलब v इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर मान के चलो, यहां पे ये आई, यहां से डिस्टेंस कितना 7.5 सेंटीमीटर। और हमें डिस्टेंस आंसर कहां से देना है, सेंटर से, तो सेंटर से ये 15 हो गए ठीक है ना, इसकी रेडियस 15 प्लस 7.5, तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी, सी आई इक्वल टू 15 प्लस 7.5, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 22.5 सेंटीमीटर। क्लियर?